दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 20x30 हाउस प्लान के। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हमारा थंबनेल आपने देखा होगा, इसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं बारी बारी से। बहुत ही खूबसूरत और लो बजट हाउस प्लान मैंने किया है। अगर आपके पास मात्र 20x30 फुट में जगह है, तो अगर आप ये मॉडल बनवाते हैं तो आपको सारी व्यवस्थाएँ मिलती हैं और साथ साथ एक लुक और मॉडर्न डिज़ाइन देखने को मिलता है और आपके घर को एक नया लुक देखने को मिलेगा। मैंने टेक्सचर वगैरह जो यूज़ किया है, सारी डिटेल के साथ बात करेंगे। 3 साइड क्लोज्ड है, हालांकि मैंने कुछ ट्री आपको शो कर दिए हैं, इससे आपको घर का लोकेशन और अच्छा लगने लगे। तो इसी मॉडल को 20x20 को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो यहाँ पर मैंने ईंटों का टेक्सचर दिया है, इसके ऊपर ये कुछ पट्टियाँ डिजाइनिंग के पर्पज से क्रिएट की हैं। ये एक विंडो है और यहाँ की बात करें तो एक बारंदा टाइप का थोड़ा सा बालकनी टाइप का मैंने आगे दिया है। अगर आप बाइक वगैरह अपना खड़ा करना चाहते हैं तो इसके बाद ये विंडो और ये डोर, ये देखिएगा जो आप एक्स्ट्रा देख रहे हैं, ये बारंदा टाइप का या बालकनी टाइप का, ये घर को एक नया लुक देने में सक्षम है। तो ये डोर है, अब हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहे स्टूडियो में लगातार। मैं हूं पवन झगड़े और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सकें। दोस्तों, स्मॉल हाउस प्लान पर आपको लगातार अपडेटेड वीडियो मिलते हैं जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप कोई भी एक घर बनवाना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेहद आइडियाफुल ये चैनल हो सकता था, आप एक बार ज़रूर विजिट कर लें। तो चलो, जो आज का मॉडल है उसे हम डिस्कस करते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले तो देखिए, ये ग्राउंड फ्लोर है, आपको मैंने बता दिया। और इसे मैं जूम करता हूँ, मैक्सिमम जूम फिलहाल ये इतना ही होगा। और यहाँ पर देखिए टेक्सचर वगैरह, रूप वगैरह। अब हम बात करते हैं इसके सबसे लास्ट फ्लोर की। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं लास्ट फ्लोर ही है, इसका रूफ हटाते हैं और आपको फिर मैं आगे का पूरा अंदर का इसका इंटीरियर दिखा देते हैं। तो ये देखिए, जैसे मैंने रूफ हटाया तो अब आपका अंदर का लोकेशन देखने को मिलता है। जैसे आप इस डोर से अंदर जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिल जाती है स्टेयर्स जीना, जो कि देखिएगा दो जगह पर मुड़ा हुआ है, क्योंकि जगह कम है, इस वजह से इसे दो जगह से मोड़ना पड़ा। इसका यही पूरा हॉल टाइप का आपको यहीं भी मिलता है। इसके बाद की बात करें तो फ्रंट में आपको बड़ा सा बेडरूम मिलता है, जिसका डोर जो मैंने दिया है अंदर से दिया है, क्योंकि डोर आप यहाँ पर एंट्री कर जाएंगे। फ्रंट में विंडो है वेंटिलेशन के लिए। अब हम बात करते हैं ये इस कॉर्नर पर, तो इस कॉर्नर पर एक बड़ा सा बेडरूम है जिसमें एक विंडो और डोर मैंने सेपरेट दिया है, ये देखिएगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये दोस्तों लाइट्स हैं, फिलहाल ये एक्सटर्नल पार्ट है। तो एक इस कॉर्नर पर बेडरूम और एक फ्रंट बेडरूम मिलता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं लेटेंट बाथ। तो ये दोस्तों आपका पूरा एरिया किचन का है, ये देखिएगा मैंने डोर और विंडो दिया, ये पूरा किचन है। इसके जस्ट पीछे ये वाला जो डोर है, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये आपका लेटेंट बाथ कमांड मैंने क्रिएट किया है। दोनों की जगह बहुत ही पर्याप्त है, लेटेंट बाथ भी और साथ साथ किचन भी, दोनों काफ़ी बड़े हैं। और दोनों बेडरूम, आप फर्स्ट बेडरूम की बात करें तो ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, सेकेंड थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि जगह टोटल आपके पास 20x30 फिट है, 20 फिट चौड़ाई, 30 फिट लंबाई। तो उसी में दो बेडरूम, लेटेंट बाथ, किचन, स्टेयर्स, हॉल और फ्रंट का जो लुक है उसके लिए 2 से 2.5 फिट मैंने जगह छोड़ी है, जिसमें आपके घर को एक बेहतरीन सा लुक लगे। तो ये तो पूरा लास्ट फ्लोर मैंने जैसा दिखाया, पूरा देखिए इंटीरियर आप देख सकते हैं, कुछ भी आए यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद जो बात होती है लास्ट फ्लोर की, लास्ट फ्लोर पर मैंने केवल रूफ क्रिएट किया और भी कुछ, ना बाउंड्री, ना गुमटी वगैरह कुछ भी क्रिएट नहीं किया है। तो ये देखिएगा, जैसे आप लास्ट फ्लोर पर आते हैं तो ये चारों तरफ से कुछ भी क्रिएट नहीं है, सिर्फ एक मैंने रूफ क्रिएट कर दिया है और उसमें थोड़ा सा डिजाइनिंग क्रिएट कर दी, वाइट कलर की पट्टी है ये, जिससे आपके घर को एक नया लुक देखने को मिल जाता है, नया लुक आपको दिखता है। और साथ साथ दोस्तों यहाँ पर कहने, देखिए मैंने जो थंबनेल लगाया है वो नाइट का थंबनेल है और लाइटिंग वगैरह प्रॉपर मैंने वहाँ पर की है, इसलिए और भी अट्रैक्टिव लगता है। तो नाइट में आपका घर भी ऐसा ही लगेगा जैसा आपने थंबनेल देखा होगा। तो यही पूरा मॉडल था 20x30 फुट में, जैसा भी लगा हो आप हमें कमेंट करके बताएँ और साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, मैंने एक पेड सर्विस स्टार्ट की है, अगर आप वो पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में है, आप हमें वहाँ पर कांटेक्ट करें, मैं आपसे बात करके आपकी रिक्वायरमेंट को समझ करके आपके अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करता हूँ वहाँ पर। लेकिन आपको 50% पेमेंट एडवांस देना होता है, इसका विशेष ध्यान रखें। और अगर आप इस घर का बजट जानना चाहते हैं तो आप स्मॉल हाउस प्लान एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से मटेरियल प्लस कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। Thanks for watching.